आ रहा है? आ रहा है? ठीक बोलिए। हाँ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, करते चलना, फिर हम लोग प्रॉपर थ्योरम्स वाले सेक्शन को मूव करेंगे। बस इट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, ऑफ थ्राइस ऑफ इट। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। बनाओ जो जो बोला था ना, कहीं डाउट नहीं होता, अभी सब पता चल गया। सर आंसर 45 है क्या? है 45 या 35? सर आपका आवाज, सर 45 क्या आवाज? सर 45 है ना? हाँ हाँ 45। ठीक है, आसान है ये तो, बनना चाहिए सबसे। जिससे नहीं बनेगा बताएगा। सर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है। चलो देखो, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का तो आइडिया है ना, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट एंगल। हाँ हाँ चलो देखो, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट। क्वेश्चन में ये था कि कोई एक एंगल है, उसको हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट, समझना ध्यान से, लेट एक्स बी, एक्स इज द मेजर ऑफ एंगल ले लो, एक्स इज द मेजर एंगल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ, अच्छा इसका बताओ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है, एक्स। और इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एक्स। अब दो इक्वेशन बनाना है, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, ठीक है। तो क्या बनेगा इक्वेशन बनाओ जो बताया था, 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 3x, ठीक है। समझ में आया इक्वेशन? ऋषि? हाँ सर समझ में आया। क्वेश्चन में ही बोला था ना कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल यानी कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट। तो इसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स और उसका थ्राइस ऑफ इट यानी 180 माइनस 3x, ठीक है। सर इक्वेशन 3 इनटू ब्रैकेट में 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस, यहां पे 3 आएगा, यहां पे यस सर 180 माइनस एक्स क्वेश्चन ये होगा। कॉम्प्लीमेंट का थ्राइस बोला है, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, तो 3 ऑफ 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। इसको आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? दो
तो इसी तरीके का क्वेश्चन होगा आगे, खुद से कर लेना। मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया है, एक बार ट्राई कर लेना वो सारे क्वेश्चन को, ठीक है? आगे बढ़े अब। ओके सर, क्वेश्चन खुद से कर लेना। चलो अब हम लोग थ्योरम वाले सेक्शन पे मूव करते हैं, जो कि ज्यादा जरूरी है तुम लोग के लिए। मैंने थ्योरम का पेपर सबको भेजा है, वहां से देखते चलना। जिसमें पहला थ्योरम तुम्हारा क्या था देखना, सबके पास होगा अपना, वहां से उठा लेना। मेरे पास अलग से तो लिखते चल रहे हैं उस थ्योरम को। हमारा पहला थ्योरम था इसमें, जिसको प्रूफ आता है करने को करते चलना, जिसको नहीं आ रहा है समझते चलना। थ्योरम वन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, then the sum of the adjacent angle form adjacent angles so formed is 180 degree। ठीक है, जिसे बन रहा है बनाओ, जितने बना सब चला। देखो कैसे प्रूव करना होता है। तुमने लीनियर पेयर का नाम सुना ही होगा, ऐसा क्लास 8 वगैरह 9 में भी तुम 8 में ऐसा क्वेश्चन बनाए होगे कि जैसे एक एंगल, ये स्ट्रेट लाइन, एक कोई और ऐसा स्ट्रेट लाइन आया इस पे, तो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ऐसा तो सुन रखा होगा बहुत बार। ठीक है, अब इसी थ्योरम को हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करते हुए चलना है। ठीक है, सुना है ना ये चीज, लीनियर पेयर का नाम? कोई ऐसा है जिसने कभी नहीं सुना हो? सब कुछ सुन रखा है, लीनियर पेयर क्या होता है, दो एंगल का सम 180 अगर हो रहा है तो वो लीनियर पेयर होगा, ऐसा कुछ सुना है? चलो ठीक है, तो सुना है तो आगे देखते हैं। क्या आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा अच्छे से? चलो देखो, समझते इसको। गिवन है तुम्हारा एक लाइन से, एक है तुम्हारा ए बी, इस पे कोई एक दूसरा रे सी डी है। ठीक है, सी डी ले लो इसको, इसको टी कर लो, ये सी डी। ठीक है, तो गिवन है रे सी डी, लिखते चलना, विच स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी, ऑन अ लाइन ए बी। ठीक है, यहां पे आगे लिखना है तो वो भी लिख लेना, सच दैट एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी फॉर्म। ठीक है, तुमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तुमको ये प्रूफ करके लाना है। एंगल ए सी डी का सम और एंगल बी सी डी का सम कितना होता है, 180। इतना तो तुम लोग पहले करते रहता होगा, ये जानता ही होगा, बट अभी इसी को प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 7-8 तक बस इसको लिखते आते होंगे कि लिनियर पेयर है तो एंगल 180 होना ही चाहिए। अब कैसे प्रूफ हो रहा है तो वो सीखना, जैसे एनसीईआरटी में भी तुम्हारे दिया हुआ है। इसमें एक ध्यान रखना, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, और कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसमें, एक सीई लाइन ड्रॉ कर लेना जो कि परपेंडिकुलर टू ए बी हो। क्या करना है, सीई लाइन ड्रॉ कर लेना परपेंडिकुलर टू, क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, सीई। ठीक है, तो ड्रॉ सीई परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी क्लियर हो रहा है? अब इसी को प्रूफ करते हैं हम लोग।
प्रूफ देखना, एंगल एसीडी को बोलना सब लोग, एंगल एसीडी को एसीडी क्या लिख सकते हो, एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी लिख सकते हो, ध्यान से देखना, एंगल ए सी डी को एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई और प्लस ई सी डी लिख सकते हो ना, डाउट होगा पूछना, इसको इक्वेशन वन मानो, ठीक है। उसी तरीके से एंगल बी सी डी का बात करें तो बी सी डी को क्या लिख सकते हो, तो एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी लिख सकते हो, ध्यान से समझना है यहाँ पे, ए सी डी को क्या माइनस क्यों, बी सी ई बी सी डी ये एंगल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसको तुम क्या लिख कर सकते हैं, इस पूरे एंगल में से, यानी ये बी सी ई एंगल, एंगल बी सी ई इतना हुआ, इसमें से ये थोड़ा सा एंगल, ये वाला एंगल माइनस कर देगा तो एंगल बी सी डी नहीं आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे। अब एक चीज तुम लोग बताना, हम लोग इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, करना क्या होगा। देखो कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना प्रूफिंग का, पहला थोड़ा काम तो खुद कर लेना, बाकी तुम खुद से सोच सकते हो। जैसे प्रूफ में हमको करना क्या है, ध्यान से देखना, ए सी डी प्लस बी सी डी करना है, करना है कि नहीं करना है। और तुम्हारे पास इक्वेशन में भी एक तरफ एल एच एस में ए सी डी दिख रहा है और साथ ही साथ एक BCD भी दिख रहा है, तो आखिरकार हम इन दोनों इक्वेशन को ऐसा क्या करें, एडिशन करें या दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो अपना LHS वाला पोर्शन तो आ जाएगा, ध्यान से समझना, LHS वाला पोर्शन तो जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा तुम्हारा, अब रह जाएगा राइट हैंड साइड पे मूव करने का। तो एक बार पहले दोनों को ऐड करके देखते हैं, देखते हैं हमारा राइट हैंड साइड आ पा रहा है या कुछ और करना होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। पहले इक्वेशन फॉर्म करना, उसके बाद तुम्हारा काम होगा जो प्रूफ करके हमको लाना है, प्रूफ करके क्या लाना है, तो ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है कि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमको जो प्रूविंग में रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा, थोड़ा सा तो आएगा, पूरा का पता नहीं। तो करते क्या है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखते हैं, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को ऐड करो तो तुम्हारा देखो LHS में जो चाहिए था प्रूफ में वो तो आ गया, एंगल ए सी डी प्लस बी सी डी तो आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इधर क्या लिखोगे, एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल बी सी ई माइनस एंगल ऑफ ई सी डी, तो यहाँ देखना प्लस एंगल ई सी डी और माइनस एंगल ई सी डी कैंसिल होगा, अब क्या बच जाएगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई। डायग्राम पे देखो एंगल ए सी कितना है, कितना है, डिग्री है 90 ए सी ई, ठीक है। उसी तरीके से एंगल बी सी ई कितना है, BCE भी 90 डिग्री है ना, तो अब फाइनल तुम्हारा रिजल्ट क्या आ गया, एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू ACE तुम्हारा 90 डिग्री था और BCE भी कितना था 90 डिग्री था, तो एंगल ACD प्लस एंगल BCE। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका, बाकी लोग को आ रहा था क्लियर आवाज, क्या सर आ रहा है आवाज, आ रहा था, देखना जतिन थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम लोग, ठीक है। ये थ्योरम समझ में आया सबको, कैसे प्रूफ करना था सर, इसको एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं ना, मतलब अगर हम लोग 90 नहीं लेते तो देख सकते हैं तुम्हारा तरीका क्या हो सकता है, एसीडी प्लस बीसीडी जो है वो एसीबी हो जाएगा, ACD प्लस BCD ACB हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं
एक स्ट्रेट लाइन हमेशा एसीडी प्लस बीसीडी एसीडी हो जाएगा। और अगर इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है तो 180 हो जाएगा, वो 180 डिग्री होगा। अरे बहुत तरीका है, तुम अपने तरीके से देख लो, ये भी एक तरीका था और एक जो तुमने बोला वो भी पॉसिबल है, भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो समझ में आया, किसी को डाउट है इसके इस प्रूफ में? और एक बार एक्सप्लेन कर दो सर फिर से। देखो प्रूफ क्या करना था वो तो दिख गया तुमको, एंगल ए सी डी प्लस बी सी डी इक्वल्स टू 180 लेके आना था। एक कंस्ट्रक्शन इसमें क्या किए थे कि जो मैं एक सी रे को परपेंडिकुलर टू ए बी बनाया, सीई रे परपेंडिकुलर टू ए बी। अब यहां से मैंने एंगल ए सी डी का वैल्यू लिखा, एंगल ए सी डी का वैल्यू, ए सी डी क्या होगा तुम्हारा, तो ए सी ई प्लस ई सी डी हो जाएगा। उसी तरीके से फिर मैंने एंगल बी सी डी को लिखा, बी सी डी क्या होता, तो बी सी ई माइनस ई सी डी हो जाता। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गया, लेकिन इन दोनों इक्वेशन के साथ करना क्या था, तो थोड़ा तुमको प्रूफ जो करना है, जो प्रूफ करके लाना है उस पे जाना था। तो प्रूफ करके क्या लाना था, तो ए सी डी प्लस बी सी डी लाना था। तो हम इन दोनों इक्वेशन को मेनली क्या, अभी एक ऑप्शन हमें दिख रहा था कि इन दोनों इक्वेशन का अगर एडिशन कर ले हम लोग तो हमारा एल एच एस तो एटलीस्ट आ जाएगा। तो आ गया था ए सी डी प्लस बी सी डी, और फिर मैंने राइट हैंड साइड को एड राइट हैंड साइड में सारा ऑपरेशन करके देखा, तो ए सी डी और ई सी डी कैंसिल हुआ, एक बच गया तुम्हारा ए सी ई और बी सी ई, ए सी ई प्लस बी सी ई। और ए सी ई का वैल्यू 90 डिग्री था और बी सी ई का भी वैल्यू, ऐसा करके थ्योरम क्या हो गया आगे चल के। ठीक है, ये दिखते किसी को, कोई डाउट तो पूछेगा। इसमें लक्ष्य आया है क्या आज, लक्ष्य नहीं दिखा है? यस सर। तेरा नाम ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये सर कुमारी रश्मि लिखा हुआ होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है लक्ष्य? यस सर। चलो ठीक है, कोई डाउट इसमें, इस थ्योरम के प्रूफ में नहीं है तो फिर दूसरा हम लिख रहे हैं। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना भाई, नहीं तो भूल जाओगे, तुम्हारा ज्योमेट्री पूरा तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, अगर नहीं प्रैक्टिस करेगा तो सब कुछ भूल जाएगा। चलो ठीक है, सेकेंड नंबर थ्योरम पे मूव करते, जो मैंने थ्योरम पेपर दिया है उसी के एग्जैक्टली हम लोग मूव कर रहे हैं। थ्योरम सेकेंड, इसको हम लोग बेसिकली कन्वर्ट्स ऑफ थ्योरम वन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कन्वर्ट्स ऑफ थ्योरम वन। क्या था वहां पे तुम्हारे पास होगा उसमें देख लेना, जो सेकेंड नंबर ऊपर, सेकेंड नंबर जो थ्योरम है वही है, उसमें करा था इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल is 180 degree, then there the non-common arms, then there non-common arms are two opposite rays, are two opposite rays. चलो देखो, पहले एक चीज जानो तुम लोग, जैसे एक अगर हम ये बेसिक एंगल, सिर्फ इस एंगल की बात करें, ठीक है, ये एंगल दिख रहा होगा, और एक एक स्ट्रेट लाइन में यहां से विड्रॉ कर दिया, तो क्या इन दोनों एंगल का, इस एंगल का, इसको मैं एंगल वन लिख दूं और इसका एंगल टू लिख दूं, तो एंगल वन और टू में कोई एक नॉन कॉमन आर्म्स दिख रहा है सबको, सॉरी कॉमन आर्म्स दिख रहा है, एंगल वन और एंगल टू के लिए कॉमन आर्म्स दिख रहा है। आर्म्स क्या होता है पता है ना सबको? यस सर, ओबी। ओबी एक कॉमन आर्म्स है कि नहीं है? है। तो अगर तुम्हारा, अब ये थ्योरम वही बोला कि दो एडजेसेंट एंगल का सम ही 180 हो गया, तो उसका नॉन कॉमन आर्म्स, अच्छा नॉन कॉमन आर्म्स इसमें कौन कौन है,
ये कॉमन आर्म्स हो गया, नॉन कॉमन आर्म्स और बीसी और एबी नॉन कॉमन आर्म्स है, ठीक है। तो अगर दो एंगल का सम 180 हो जाता है, अगर दो एंगल का सम 180 हो जाता है तो एक तो कॉमन आर्म्स रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो दो नॉन कॉमन आर्म्स आएगा वो दोनों हमेशा अपोजिट रे होता है, ये प्रूफ करना है तुमको। जैसे यही दिख रहा है ना, इस सिचुएशन में एसी भी ये लाइन सेगमेंट था और सीडी एक ये लाइन था, एसी भी लाइन सेगमेंट ये था और सीडी लाइन सेगमेंट ये था, तो ए सी बी और ये डी हुआ तुम्हारा। तो इस केस में कॉमन आर्म्स कौन है, कॉमन आर्म्स क्या था, रिस्पॉन्स करना सब लोग, कॉमन आर्म्स क्या था, सीडी था, सीडी ठीक है। और नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन है, एसी और बीसी है ना, एसी और बीसी, एसी और बीसी नॉन कॉमन आर्म्स है। तो यही तुमको प्रूफ करना है सेकंड वाले थ्योरम में कि एसी और बीसी जो क्या होगा, टू अपोजिट रे होगा, दिख भी रहा होगा दो अपोजिट रे है। ओके सर, यही प्रूफ करके लाना है। पहले ये बताओ कॉमन आर्म्स और नॉन कॉमन आर्म्स में किसी को दिक्कत है क्या, कॉमन आर्म्स और नॉन कॉमन आर्म्स किसी को भी डाउट है इस चीज में तो बताएगा, नहीं है किसी को डाउट, नहीं है ना, तो फिर ठीक है। तो ये तो तुम्हारा एक सिचुएशन ये था। अब इस थ्योरम में क्या बोला कि दो एंगल, दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 हो गया तो जिसका जो नॉन कॉमन आर्म से आर टू अपोजिट रे होगा, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, किसी को आता है प्रूफ करने, ये किसी को भी, यस सर एक को आता है, और कोई, सर अंक आता है। अच्छा चलो, एक फायदा तो है ऑफ ऑनलाइन क्लास का, पता नहीं चलेगा आपको यहाँ बैठे बैठे कौन सच बोल रहा है। चलो देखो इसका प्रूफ सिखाते हैं। आता है तो अच्छी बात है। ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया और सी डी, इस पे कोई एक कॉमन आर्म्स आ गया सी डी, ठीक है। सी डी क्या है इसका, कॉमन आर्म्स है, कॉमन आर्म्स। अब तुमको क्या प्रूफ करना है इसमें, एसी, एसी और बीसी क्या प्रूफ करना है, अपोजिट रे प्रूफ करना है। तो अपोजिट रे होने के लिए एंगल क्या होना चाहिए, एंगल या अपोजिट रे कब पॉसिबल होगा, अपोजिट रे एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा तभी तो, कोई एक पॉइंट से अपोजिट रे क्या होगा, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ही बनना चाहिए। इसको क्या अपोजिट रे बोलोगे तुम, ये और ये अपोजिट रे, कभी भी नहीं। तो अपोजिट रे क्या होगा, हमेशा हर एक सिचुएशन में कोई एक कॉमन पॉइंट होगा, वहां से एकदम दोनों साइड स्ट्रेट लाइन ही पास करे। एक कॉमन पॉइंट जैसे ये है, एक लाइन सेगमेंट तुम्हारा इधर जाएगा और एक लाइन सेगमेंट इधर आएगा, इसको ही अपोजिट रे बोलेंगे, सारे को नहीं बोलेंगे। ये नहीं कि ऐसा एक लाइन है, ये लाइन और ये लाइन है, इसको हम अपोजिट रे, नहीं, ये अपोजिट रे तुम्हारा नहीं होगा। तो इसमें क्या प्रूफ करना है, एसी और बीसी को क्या प्रूफ करना है कि वो अपोजिट रे होगा। जिससे प्रूफ हो रहा है करते चलो, जिससे नहीं हो रहा है समझना, ठीक है। ये वाला शायद ही पूछे तुम लोग से, लेकिन पहला वाला थ्योरम बहुत बार पूछा गया स्कूल से एग्जाम में, तो पहला वाला एटलीस्ट अच्छे से समझना, सेकेंड में भी पूछ दे तो लेकिन सीख लो, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी थ्योरम प्रूफ करने जाना तो गिवेन और प्रूफ क्या करना है ये लिखना कभी मत भूलना, ठीक है। गिवेन और टू प्रूफ ये हमेशा लिखोगे। तो इसमें गिवेन क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 दे रखा है, मतलब एंगल एसीडी प्लस एंगल बीसीडी इक्वल्स टू 180 तुम्हारा क्या है, ये गिवेन, ठीक है। इसमें प्रूफ क्या करना था, AC and BC are two opposite. यही तुमको प्रूफ करके लाना है। चलो इसमें थोड़ा हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से इसको प्रूफ करते हैं। जैसे इसको प्रूफ करना है, AC और BC को अपोजिट रे प्रूफ करके लाना है, ये पहले से पता नहीं है, बट क्या तुम ये तो बोल सकते हो ना, अगर AC BC अपोजिट रे नहीं है, कोई ना कोई तो AC का एक अपोजिट रे होगा ही होगा,
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्या आवाज नहीं आ रहा है, क्या सबके साथ ही हो रहा है? हेलो, आप सब सही हो गए सर? आ रहा सर, सर सही आ रहा है ना? ठीक है, देखो हम क्या बोल रहे थे, जैसे एसी और बीसी को अपोजिट रे इसमें प्रूफ करके लाना है, बट हर एक पॉइंट से एक ना एक दो पॉइंट दो लाइन ऐसा जाएगा जो अपोजिट रे खुद में खुद होगा ही होगा। हर एक एक सिंगल पॉइंट से कितना अपोजिट रे पॉसिबल है? एक ही है ना, एक इधर रहेगा और एक इधर, ठीक है? तो एसी और बीसी को तुमको अपोजिट रे प्रूफ करना है, मतलब कि ये हमें पता नहीं है कि एसी बीसी अपोजिट रे है, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि एसी पॉइंट सी से कोई एक ऐसा दूसरा पॉइंट होगा जो कि एसी का अपोजिट रे हो सकता है। तो हमेशा फिक्स है कि एक पॉइंट से एक अगर लाइन सेगमेंट है तो एक दूसरा लाइन सेगमेंट होगा ही जो इसका इस लाइन सेगमेंट का क्या रहेगा, हर सिचुएशन में एक अपोजिट रे का काम करेगा ही करेगा। तो इसमें एसी तुमको पता है लेकिन बीसी इसका अपोजिट रे प्रूफ करना है, तो हम इसको एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये अज्यूम कर लेते हैं कि चलो बीसी ना हो करके कोई एक लाइन सेगमेंट सीडी क्या होगा, अपोजिट रे होगा। ठीक है, एसी बीसी को अपोजिट रे प्रूफ करके लाना है, तो मैंने क्या माना, एसी ये जो सीडी लाइन सेगमेंट है वो हो सकता है एसी का एक अपोजिट रे हो सके। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करना होता है, कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन लिख लेना, इफ पॉसिबल लेट सी ए एंड सी बी नॉट टू अपोजिट रे। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट सी ए एंड सी बी नॉट टू अपोजिट रे, तो तुम कोई एक लाइन सेगमेंट ऐसा ड्रॉ कर सकते हो जो कि एसी का अपोजिट रे होगा। देन ड्रॉ अ रे विच इज अपोजिट ऑफ या विच इज अपोजिट टू एसी। अगर दो लाइन सेगमेंट अपोजिट रे हो रहा है तो उन दोनों का सम कितना होगा, उन दोनों के एंगल हमेशा क्या बनेगा, या अपोजिट रे है तो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, यस सर, अगर अपोजिट रे हो रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सच एसीडी मैंने अज्यूम कर लिया है क्या, सॉरी इसको एसी कर लो, देन ड्रॉ आर रे, यहाँ पे नाम लिख लेना, ड्रॉ आर रे सी ई विच इज अपोजिट टू ए सी सच दैट ए सी ई इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताएगा, हम क्या बोले नहीं बोले वो समझ में आया या नहीं आया वो फिर से पूछ लो, क्योंकि इसका प्रूफ बता दे। चलो देखो, हाँ ठीक है ठीक है, आराम से सीखना, ज्योमेट्री अच्छे से सीखना है भाई। हमने ये बोला कि देखो फिर से ध्यान से सुनना, जैसे एक ये लाइन सेगमेंट है तुम्हारे पास एबी, एबी लाइन सेगमेंट है तो इसका हर एक सिचुएशन में एक अपोजिट रे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा करेगा। ठीक है, तो ए बी लाइन सेगमेंट है तो इसका एक अपोजिट रे कुछ ना कुछ बी सी एग्जिस्ट करना ही चाहिए, करेगा ही। ठीक है, और अगर ऐसा पॉसिबल होता है कोई एक लाइन सेगमेंट का कोई दूसरा लाइन सेगमेंट अपोजिट रे बन रहा है तो वो दोनों लाइन सेगमेंट हमेशा क्या चीज का काम करेगा, एक स्ट्रेट लाइन का काम करेगा। ठीक है, तो मैंने वही चीज यहाँ पे बताया, कहीं डाउट इस पॉइंट में किसी को नहीं? नहीं। अब देखो फिर हम वही है कि गिवन तुमको इसमें पहले से ही सिचुएशन दे रखा था कि एसीडी और बीसीडी का सम 180 दे रखा है पहले से ही। ठीक है, अब तुमको प्रूफ क्या करना है, एसी और बीसी आर टू
हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है सर। यस सर। अभी बीच में चला गया था क्या? हाँ सर। एक मिनट रुकना, ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। होस्ट कौन है? सानिध्या तुम ही होस्ट है, ट्रांसफर करो मेरे को होस्ट, नहीं तो मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पाएंगे। स्मार्ट पेपर एकेडमी दिख रहा है उसमें? हाँ सर दिख रहा है। पे जाओ और वहां पे होस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। देखो उस पे क्लिक करो ना तो मेक होस्ट ऐसा करके कुछ ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलो क्या बोल रहे थे आप? यहाँ तक सबको समझ में आया था ना क्या बोल रहा था मैं? चलो ठीक है, तो अब इसी को आगे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करना है। सिंस रे सी डी तुम्हारा ए बी पे है, रे सी डी स्टैंड्स ऑन ए बी एंड ठीक है, इतना ही बात। अब देखो मैं यहाँ पे ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो नहीं दिखेगा। ए सी बी है और तुम्हारा ये सी डी था और ये सी ई था। चलो देखना, ए सी डी प्लस ये बी था ना और तुम्हारा ये डी था और ये ई था। ए सी डी प्लस ई सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए सी डी प्लस ई सी डी 180 के बराबर होगा, ये बताओ। यस बाकी लोग को सोचने दो ये चीज। एंगल ए सी डी और एंगल ई सी डी का सम 180 होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई इससे कौन है? यस होगा, होगा ना? ठीक है ना, पूछते हैं दो से। इससे पूछा जाए, ऋषिराज या रिद्धिमा तुम दोनों में से कोई बताओ क्यों होगा एंगल एसीडी और एंगल ईसीडी का सम 180 डिग्री? ऋषिराज एंड रिद्धिमा पाकी, पहले ऋषिराज बताएगा। एसीडी और ईसीडी का सम मैंने 180 लिखा क्यों? क्यों सर? मेरे से ही पूछ रहा है। सही है रिद्धिमा, तुम बताओ। सर इसलिए क्योंकि लिए ईसी जो है वो बोला है कि इसमें ऑपोजिट हम लोग इसमें मान रहे हैं तो वो एक स्ट्रेट। आवाज बहुत धीरे आ रहा है, आवाज खाना वाना नहीं खाइए क्या? बहुत तेज बोलो। सर क्योंकि लिए यहाँ पर ईसी को हम लोग मान रहे हैं कि वो एसी का अपोजिट है और जब अपोजिट होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है समझा ऋषि। मैंने यहाँ पे सिचुएशन अज्यूम किया था ना कि सी एंड सी बी नॉट अ टू अपोजिट रे, देन ड्रॉ अ लाइन सी सी ई व्हिच इज अपोजिट टू एसी और अपोजिट रे रहेगा तो हमेशा उन दोनों के एंगल का सम 180 होगा ही होगा। ठीक है तो मैंने यहाँ पे यही लिखा कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई डाउट इसमें? नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में पहले से तुमको क्या दे रखा था, एंगल ए सी डी
प्लस एंगल बीसी थ्योरम में इन दोनों का सम 180 ये पहले से ही दे रखा था, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तुम लिख सकते हो एसीडी प्लस एंगल ईसीडी इज इक्वल्स टू एंगल एसीडी प्लस एंगल बीसीडी, ठीक है। अब यहां से देखो एसीडी और एसीडी कैंसिल होगा, होगा हाँ। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो ना एंगल ईसीडी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी, लिख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने आखिरी रिजल्ट लेके आया इसका मतलब कोई समझाएगा मुझे? हम बोले सर, हाँ बोलो तुम ही बोलो। सर ईसीडी इक्वल टू बीसीडी से ये हो जाएगा कि इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन सीई एंड बीसी कोइंसाइड, इसीलिए एबी और बीसी जो है वो अपोजिट रेज हो जाएगा, अपोजिट रे हो जाएगा, ठीक है। समझना ध्यान से, ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। जो एंगल ईसीडी है, ईसीडी तुम्हारा ये एंगल है और एंगल बीसीडी है ये तुम्हारा ये एंगल है, ठीक है। ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या आ गया रिजल्ट में हमारा, इक्वल आ गया। और ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का दोनों यानी सीई लाइन और बीसी लाइन क्या होगा एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करेगा, तभी ना दो एंगल पॉसिबल होगा इक्वल। ऐसे दिख भी रहा होगा कि एंगल बीसीडी जो है वो बड़ा दिख रहा है और एंगल बीसीई है जो छोटा दिख रहा है, बट रिजल्ट हमारा क्या आया, जो एंगल ईसीडी है और एंगल बीसीडी है दोनों क्या है इक्वल है। ये कब पॉसिबल होगा, जब ईसी लाइन और बीसी लाइन एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं है ना, तो बस अभी इसके आगे लिख लेना तुम लोग। बट डाउट होगा किसी को पूछेगा, सीई एंड सीबी आर C and CB same side है ना CD के, are on same side of CD, are on same side of CD and both angles are equal, both angles are equal, which is only possible when, which is only possible when क्या CE and when CE and CB coincide, ठीक है। कोई डाउट किसी में, किसी को यहाँ पे फिर लिख लेना है hence AC and CB are two opposite rays, CB are two opposite rays। हाँ भाई बोलेगा, किसी को डाउट है तो हम फिर से सिखाने के लिए रेडी है। किसी को भी डाउट? सर कोइंसाइड का मीनिंग क्या होता है? कोइंसाइड जैसे एक लाइन बीसी ये हुआ, ठीक है, और इसी लाइन के ऊपर एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर तुम्हारा कौन सा लाइन आ जाएगा, सीई आ जाएगा। ये दोनों लाइन क्या कहलाएगा, कोइंसाइड, कोइंसिडेंट इसी को बोलते हैं। हाँ शाश्वत कुछ कुछ पूछना है क्या? क्या इसी में इसमें डाउट है? क्या डाउट है बताओ? समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? ऑनेस्टली रीजन करो। इससे सीखेंगे ऋषिराज और बस एक अर्पित। चलो समझो, देखो फिर से समझा रहे। तुम लोग माइक अपना ऑफ रखेगा, सॉरी ऑन रखेगा, ताकि तुम लोग रिस्पॉन्स करते चलो। जिसको भी समझ में नहीं आया अपना माइक अनम्यूट करो और रिस्पॉन्स करना शुरू कर दो। देखो इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन देयर नन कॉमन नाम्स आर टू अपोजिट। ये तो समझ में आ गया कि अगर दो एंगल का सम 180 हो रहा है, जैसे यही इसी सिचुएशन में था ना, ये दो एंगल का सम 180, तो एसी लाइन और बीसी लाइन दो अपोजिट रे है कि नहीं है? है? ये आया एक और ये एंगल आया,
इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 है, तो तुम्हारा ये लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी लाइन सेगमेंट हमेशा क्या होगा, अपोजिट रे बनाएगा, याद रखना ये चीज हमेशा हर सिचुएशन में। जैसे एक लाइन ये है ए बी है, इसका एक अपोजिट रे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं। बोलना शाश्वत और जो भी था, ए बी का एक अपोजिट रे एग्जिस्ट करेगा हर सिचुएशन में हमेशा, yes, एक ही रे अपोजिट रे एग्जिस्ट करेगा, एक से ज्यादा क्या एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं, नहीं। तो ए बी का अपोजिट कोई ना कोई एक रे एग्जिस्ट करेगा जो कि बी सी होगा, और ये कब पॉसिबल है, जब ये पूरा ये एंगल ए सी डी और बी सी डी का सम क्या हो जाए, 180 हो जाए। कभी भी दो अपोजिट रे बनेगा तो उन दोनों के बीच का एंगल का सम हमेशा क्या बनेगा, 180 या उसको सप्लीमेंट्री बोल सकते हो, ठीक है। तो उस वही काम यहाँ पे किया हमने कि दो एंगल का सम 180 दे रखा है, तुमको अब क्या करना है, उन दोनों को अपोजिट रे प्रूफ करना है। तो गिवन था एसीडी, क्या दिया था, एसीडी प्लस बीसीडी इक्वल्स टू 180 पहले से दे रखा है। अब ये दोनों 180 है तो पक्का है कि एसी लाइन एसी रे और बीसी क्या होगा, दो अपोजिट रे होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन तुमको क्या करना है, प्रूफ करके लाना है कि नहीं हमको नहीं पता है कि ये दोनों अपोजिट रे है, जो तुम प्रूफ करो। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जो कि एसी और बीसी दो अपोजिट रे प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन एक किया कि सी ए एंड सी बी बी नॉट टू अपोजिट रे, लेट सी ए एंड सी बी नॉट टू अपोजिट रे। मतलब मैंने ये अज्यूम किया जो लाइन सी ए है और जो लाइन सी बी है ये अपोजिट रे नहीं है, ठीक है। तो अगर ये दोनों अपोजिट रे नहीं है तो एक सी ए लाइन का कोई ना कोई दूसरा अपोजिट रे तो होगा ही होगा, समझ रहा है। सी ए एंड सी बी को मैंने अपोजिट रे अज्यूम नहीं किया, इसका मतलब ये है कि सी ए का कोई ना कोई दूसरा एक अपोजिट रे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो वो मैंने क्या अज्यूम कर लिया, एक लाइन सी ई को जो कि क्या है, सी ए का अपोजिट रे है, समझ रहा है शाश्वत। ए सी का कोई अपोजिट रे इस सिचुएशन में नहीं है, मैंने अज्यूम किया कि सी बी उसका अपोजिट रे नहीं है, तो कोई दूसरा रे सी ई उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट रे होगा, क्योंकि हर एक लाइन का कोई ना कोई दूसरा एक एंड पॉइंट से अपोजिट रे होता ही होता है, ठीक है। तो अब बताना ये एंगल जो होगा ए सी डी और डी सी ई, इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल ए सी डी और एंगल ये डी दिख रहा है ना, ए सी डी और डी सी ई का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि दो अपोजिट रे का एंगल का सम बीच में कितना आता है, सेम है, 180। तो ए सी डी प्लस ई सी डी मैंने 180 लिया, और तुम्हारा क्वेश्चन में ये थ्योरम में पहले से ही दे रखा है कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। तो ACD plus BCD भी मैंने क्या assume कर लिया, 180 degree। अब equation 1 और 2 से ACD plus ECD भी 180 के बराबर और ACD plus BCD भी 180 के बराबर है, तो तुम्हारा ACD plus ECD और ACD plus BCD equal होगा कि नहीं होगा, angle ACD plus angle ECD और angle ACD और angle BCD equal होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा, ये समझ में आया सिचुएशन, या इसको ऐसे समझो, अगर x इक्वल्स टू y है, ठीक है, और z इक्वल्स या x का वैल्यू 5 है, ऐसे समझो, x इक्वल्स टू 5 है और z का भी वैल्यू क्या है, 5 है, तो इक्वेशन 1 और 2 से तुम बोल सकता है x और z इक्वल होगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे किए, एंगल ACD प्लस ECD 180 है और एंगल ए सी डी प्लस बी सी डी इक्वल 180 है, तो दोनों इक्वेशन से एंगल ए सी डी प्लस ई सी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी होगा, होगा। और यहाँ से ए सी डी और ए सी डी कैंसिल होगा, क्योंकि इस वाले को इधर शिफ्ट करेगा तो माइनस ए सी डी हो जाएगा और दोनों मिलकर के जीरो हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आया, एंगल ई सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ठीक। और ये इक्वल हो रहा है दोनों एंगल, इसका मतलब क्या हो गया, जो सीई लाइन है वो तुम्हारा बीसी लाइन के ऊपर आ जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। शाश्वत, यस, तो पल्ले पड़ा,
भैया आ रहा है ज्योमेट्री पढ़ के? क्या हालत खराब हो गई बताओ? शाश्वत नहीं तो शुरुआत है भाई। चलो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से सिखाएंगे। आज तो बस दो ही थी और हमें अपना टाइम ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं, एक काम करना, इन दोनों थ्योरम को एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। अगर तब भी डाउट हो रहा है तो हम फिर से एक बार अगले क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे। हम रेडी है तुम लोगों को फिर से ये चीज डिस्कस करने की। सर प्रूफ करने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आखिरी लाइन में जो मैंने लिखा है? नहीं सर, जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं। हाँ भाई, गिवन हमेशा लिखना होता है, टू प्रूफ हमेशा लिखना होता है, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है तो वो हमेशा लिखना, अगर कोई भी थ्योरम आता है तो। इतना काम तुमको करना ही है। और कोई डाउट किसी को भी? आज बस दो थ्योरम हुआ है, ये दो थ्योरम, पहला वाला तो थोड़ा आसान था, दूसरा तुम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा। ठीक है, तो दूसरा एक बार फिर से समझने का कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जब भी अगला क्लास होगा तो उसमें हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। और टेस्ट में तो थ्योरम प्रूफ करने आएगा नहीं, इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना अभी। ठीक है, किसी को दिक्कत?